नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। और हां जी, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय पूर्व खिलाड़ी संजय मानजिंकर का, जो कि बयान आया है भारतीय टीम और पाकिस्तान टीम के लिए कि जो कि अफगानिस्तान की टीम है जो कि एशिया कप में लगातार अपना एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रही है। तो ये आपको बताएं कि जो संजय मानजिंकर का बयान है, उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम और जो पाकिस्तान टीम है, अगर अफगानिस्तान की टीम आगे होने वाले मुकाबले में भारतीय टीम और अफगानिस्तान की टीम को अगर हरा देती है तो ज्यादा अचंभित होने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम हम सबको देखने को मिल रहा है कि एशिया कप में कैसे शानदार प्रदर्शन लगातार कर रही है और जो सुपर फोर है उसमें अपनी अफगानिस्तान ने जगह बना ली है। वहीं अगर हम बात करें अफगानिस्तान के एशिया कप 2022 में, तो जो उनका पहला मैच था वो श्रीलंका के साथ था, जहां पे उन्होंने श्रीलंका की टीम को 105 रनों के अंदर, मात्र 105 रनों में जो कि पूरी टीम को समेट दिया था। वहीं पर जो उनके बॉलर्स थे, वहीं पर बॉलर्स ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया था, जो कि हरजिल्ला जजाई थे। अफगानिस्तान के बैटिंग से भी हमको एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिला उनकी तरफ से। वहीं जो जजाई थे, उन्होंने 37 रन बनाए थे अफगानिस्तान के लिए, और जो गुरबाज थे, उन्होंने शानदार पारी खेली थी, 18 खेलों में 40 रन की जो पारी थी अफगानिस्तान के लिए और जो उन्होंने खेली। वहीं पर अगर जो ये मैच था, वहीं पर बॉलर्स ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, जो कि बॉलर्स थे अफगानिस्तान के, वहीं पर फारूकी ने 3 विकेट लिए थे और जो मजीबुल रहमान है उन्होंने भी दो दो विकेट उनको मिले थे और मोहम्मद नामी को भी 2 विकेट मिले थे उस मैच में। वही शानदार जो कि पहला मैच था अफगानिस्तान की टीम ने वो अपने नाम किया था। वहीं जो दूसरा मुकाबला था वो बांग्लादेश के साथ था, वहीं पर बांग्लादेश ने जो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और वहीं पर बांग्लादेश की टीम ने जो कि 127 रन ही बनाए, वहीं पर अफगानिस्तान का जो बॉलिंग अटैक था ज्यादा रन नहीं बनाने दिए बांग्लादेश को, उस वहां पे 127 रन ही बना पाई बांग्लादेश की टीम। वहीं पर जो बॉलर थे अफगानिस्तान के जो कि मुजीब उल रहमान थे, उनको 3 विकेट मिले और राशिद खान को भी इस मैच में 3 विकेट मिले। वहीं पर शानदार प्रदर्शन रहा इन दोनों ही गेंदबाज का। वहीं पर जब अफगानिस्तान की टीम बल्लेबाजी करने आई तो ओपनर्स जो कि जिन्होंने पहले मैच में जिनका दबदबा था वो दूसरे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ चल नहीं पाए, परंतु अफगानिस्तान का जो मिडल ऑर्डर था, मिडल ऑर्डर में जो बल्लेबाज थे जिनका नाम है इब्राहिम जदरान, जिन्होंने 42 रन की एक शानदार पारी खेली, और वहीं पर उनके साथ में जो कि नजीबुल्ला 43 रनों की इन्होंने पारी खेली मात्र 17 गेंदों में, वहीं पर एक अहम भूमिका निभाई इन दोनों बल्लेबाजों ने मिडल ऑर्डर में अफगानिस्तान के लिए, और शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश की टीम को एक शानदार मात दी और सुपर फोर्स में जो कि है अब जो है अफगानिस्तान ने जगह बना ली है। वहीं पर अब देखने वाली बात होगी कि क्या अफगानिस्तान की टीम आगे जब भारत की टीम से मैच होगा और पाकिस्तान की टीम से भी मैच होगा, क्या अफगानिस्तान की टीम उनको भी हराने में कामयाब रहती है या नहीं। वहीं पर देखने वाली बात रहेगी कि क्या अफगानिस्तान की टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी या नहीं। वहीं पर अभी तक इस न्यूज में इतना ही। अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।